नमस्कार, आपने वोट दिया? वोट दिया मतलब सब काम छोड़ करके आपने वोट दे दिया? काम क्या कहेंगे आप? बहुत लोग जो हैं ठंड के कारण घर में हैं, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं कौन जीता कौन हारा। और दूसरी बात है कि जो अमीर लोग हैं वो लोग पिकनिक मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, गरीब आदमी तो वोट करता ही है, गरीब आदमी वोट देने से वंचित नहीं रहता है, लेकिन आज तक गरीब गरीब होते जा रहा है। आपकी विधायक बनने के बाद या काउंसलर बनने के बाद वो तो अपने खेड़ा में रहते हैं, लेकिन गरीब का काम नहीं होता। राशन कार्ड भी चार चक्का जो अमीर आदमी उसी का बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड 5 लाख वाला जो गरीब आदमी का नहीं बना है। सर्वे करा के देखे, हम लोग सर्वे में रहेंगे, है ना, वो भी जो है सो बड़के आदमी का बना हुआ है, छोटा आदमी का नहीं बना है 5 लाख कार्ड में सबका। और जो लोग वोट नहीं देते उसको क्या कहेंगे आप? जो वोट नहीं देता है, जो जानता है वोट का महत्व उसे वोट देवे करेगा, जो नहीं वोट का महत्व जानता है वो क्या देश के लिए सोचेगा। सबसे बड़ी बात है एक 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 वोट जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, जो समाज में अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का, उस पर अंकुश लगाने के लिए सभी को वोट देना आवश्यक है, तभी हम लोग राजनीति का को अपराधियों से मुक्त कर सकते हैं, है कि नहीं? घर में बैठे रहने से, वोट नहीं देने से, वो एक तरह से कहा जाए कि वो क्या कहता है, आप मजाक उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का। देखिए, वोट महत्व है, हम वोट ही पर अपना देश को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, और अपराधियों को सबक भी सिखा सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं। घर में बैठे आदमी अगर वोट को बहुत जानता है, तो हम तो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से भी आकर वोट देते हैं, कहीं भी रहते हैं तो हम आकर वोट गिराते हैं, छोड़ते नहीं देश के लिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अपना नाम बताइए। लाल बाबू पासवान, महात्मा गांधी नगर।